हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आज हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे कि ये सीएफएसई वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इसे लास्ट हमने वीबीटी को पढ़ा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो एजम्पशन दी गई है उनको हमने स्टडी किया है, उसके लिमिटेशन को स्टडी किया है। उसके बाद एक नई थ्योरी सामने निकल के आती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके ऊपर भी हमने एक सेकंड वीडियो बनाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो देखिए, जो ये दोनों टॉपिक है सीएफएससी और वीबीटी, इनके ऊपर हमने वीडियो पहले बनाया है, तो वो हमारे आपको जो प्लेलिस्ट है फिफ्थ सेम का, बीएससी फिफ्थ सेम का, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हमने सप्लिटिंग का एक टॉपिक पढ़ा है, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग, ठीक है, सप्लिटिंग कैसे होती है डी ऑर्बिटल में, उसके बारे में हमने जाना है। तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आईबॉल के, जो आपको आईबॉल नजर आ रहा है उसके अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब कैसे निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है, तो ये सारी की सारी चीजें आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना हम सीखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं तो वो सप्लिट होके कुछ इस प्रकार सप्लिट हो जाते हैं, जो थ्री ऑर्बिट होते हैं, जो थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होती है, यहां पर एक बैरी सेंटर होता है, इसको हम बैरी सेंटर बोल देते हैं, इसकी तो एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, और डिक्रीज किससे होती है, -0.4 डेल नोट से, ठीक है। और दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, और इंक्रीज किस वैल्यू से होती है, 0.6 डेल नोट से, ठीक है। इसके बाद जो इनके बीच का ये टोटल गैप होता है, ठीक है, इसको हम टी टू जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये सभी का सभी उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जो लास्ट वीडियो देख के आए हैं। यदि आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल के ऊपर जाके जो आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, ये गैप जो है, जो टोटल गैप है वो 10 डेल नोट की इक्वल होता है, ठीक है, इसको 10 डी क्यूब, ये डेल नोट इज इक्वल टू 10 डी क्यूब होता है, ठीक है, 1 डेल इज इक्वल टू 10 डी क्यूब, इसको हम 4 डी क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम 6 डी क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इन सभी चीजों से हम सीएफएसई निकालना सीखेंगे। अब मान लो हमारे पास जैसे डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी 1 कंफिग्रेशन में लेके चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम डी 0 के लिए निकालते हैं, ठीक है, डी 0 के लिए जो हमारे पास है टी टू जी ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक क्या है, ई जी ऑर्बिटल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है ऑर्बिटल्स की वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले उन्हीं के अंदर एंटर करते हैं। तो देखिए, अब डी 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए कितने से डिक्रीज हुआ है, -0.4 डेल नोट से, ये कितने से इंक्रीज हुआ है, +0.6 डेल नोट से। तो देखिए, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0 × 0.4 डेल नोट इज इक्वल टू 0, तो यानी कितनी आ गई है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके अंदर, तो कितनी आ गई है, 0 आ गई है वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए, डी 1 के लिए हम निकालते हैं, तो डी 1 के लिए आपने हर एक जो डी 0 से लेके डी 10 तक है सभी के सभी की सीएफएससी वैल्यू निकालनी सीखनी है, ठीक है, जो भी कंफिग्रेशन है हमारे पास डी 0 से लेके डी
टेन तक या नाइन तक जो भी है, ठीक है। अब देखिए तीन ऑर्बिटल नीचे होते हैं जिसको हम डी टू जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं जिसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए डी वन है, इसका मतलब डी में, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन कहां पे फिलअप होगा, यहां फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी एनर्जी कितने से डिक्रीज हुई है, माइनस 0.4 डेल नोट से। और ये एनर्जी जो ये ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, प्लस 0.6 डेल नोट से। तो देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टी टू जी ऑर्बिट में है, तो इसकी सीएफएससी एनर्जी कैसे निकालेंगे, सीएफएससी एनर्जी इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन है और कितने से एनर्जी डिक्रीज हुई है, माइनस 0.4 से। तो देखिए तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.4, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो देखिए टोटल हमारे पास सीएफएससी वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 0.4। अब नेक्स्ट आता है डी टू। अब डी टू के अंदर क्या होगा, देखिए फिर से वही इसी प्रकार हमें जो है ऑर्बिट दिए गए हैं, एक टी टू जी ऑर्बिटल का सेट है और एक क्या है, ईजी है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है, इसकी एनर्जी डिक्रीज कितने से हुई है, माइनस 0.4 से। तो सीएफएससी वैल्यू कितनी आएगी, देख कितने इलेक्ट्रॉन है टी टू जी में, टू इलेक्ट्रॉन है, तो टू मल्टीप्लाई बाय और एनर्जी कितने डिक्रीज हुई है, 0.4 से। तो देखिए 4 × 2 = 8, तो माइनस 0.8, ठीक है। तो ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमने किस किस का निकालना सीख लिया है, डी जीरो, डी वन और डी टू, ठीक है। डी थ्री का और हम सीख लेते हैं, देखिए डी थ्री के केस में क्या होगा। अब देखिए तीन ऑर्बिटल तो टी टू जी के हैं और दो ऑर्बिट किसके हैं, ईजी के। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पे फिलअप होते हैं जहां एनर्जी क्या होती है, लो। देखिए एनर्जी किसकी लो है, टी टू जी ऑर्बिट की, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 1, 2, 3। तो देखिए तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो तीनों की एनर्जी जो सीएफएससी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 3 × −0.4, ठीक है। ये एनर्जी डिक्रीज हुई है तो ये आ जाएगी −1.2 डेल नोट, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अच्छा कि ये चीज मैं भूल गया था कि आपने डेल नोट जरूर लगाना है साहब, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। डेल नोट आपने जरूर लगाना है, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालते हैं डी फोर का। डी फोर के केस में क्या होगा, ये ईजी ऑर्बिटल है, ये टी टू जी ऑर्बिटल है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां फिलअप हो गया है, 2, 3। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। देखिए फर्स्टली तो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाए, और सेकंड क्या है कि वो यहां ना जाके यहां पे पेयरिंग कर ले, ठीक है। अब देखिए तो डीजनरेट थे, इनमें सिंगल सिंगल पेयर पहले फिलअप होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो इजी ऑर्बिट में चला जाएगा इसमें, या फिर यहां पे पेयरिंग करेगा। ये चीज डिपेंड किसके ऊपर है, जो इनके बीच का गैप है, ठीक है, भी स्प्लिटिंग कितनी हुई है, ठीक है। जो ये स्प्लिटिंग का गैप है जिसको हम डेल नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल नोट से, वो इसके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए अगर गैप है कम, अगर गैप क्या है कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम एनर्जी की जरूरत होगी इसको ऊपर हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाने के लिए। लेकिन अगर ये गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर ये गैप क्या है बहुत ज्यादा है, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
अब अगर उसकी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, मान लो यहां पेयर करवाने में जितनी एनर्जी यूज हो रही है उससे ज्यादा एनर्जी है, जो गैप है, गैप की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये पेयरिंग करना बेहतर समझेगा। ठीक है, अगर ये गैप इतना ज्यादा है कि इसकी पेयरिंग एनर्जी से भी वैल्यू ज्यादा है तो ये यहां पर पेयरिंग करना बेहतर समझेगा और पेयरिंग करेगा। लेकिन यदि गैप कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो ईजी ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, दो चीजें हैं यहां पर कि या तो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा या इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयरिंग करेगा। अगर देखिए डेल नोट की वैल्यू कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, किससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तब तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, यदि पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम है डेल नोट से, यानी डेल नोट ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, पेयरिंग होगी, तब पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कब डेल एनर्जी कम होगी और कब डेल नोट की वैल्यू ज्यादा होगी, कब डेल नोट कम होगा और कब डेल नोट ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जो एक सीएफएससी से एक कंसेप्ट आया है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड और हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। देखिए हमारे पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम फील्ड स्ट्रेंथ है, जो भी किसी लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ है उसको अरेंज करके रखते हैं, और जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसी को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देते हैं। देखिए अब जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम ऐसे अरेंज करते हैं, आई नेगेटिव है, इससे ज्यादा बी आर की होगी, इससे ज्यादा एस सी एल नेगेटिव की होगी, फिर सी एल की, फिर एफ की, फिर ऑक्सलेट की, और इससे ज्यादा होगी वाटर की, और फिर अमोनिया, इसके बाद ई एन, एनओ टू नेगेटिव, सी एन और सी ओ, इससे ज्यादा किसकी होगी, सी एन की, सी एन नेगेटिव और सी ओ। देखिए ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको आप दो चार बार लिखते हैं तो ये याद हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको आपने याद रखना है। अब लेफ्ट से राइट जाते हुए फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी ये वीक फील्ड है। ठीक है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये क्या है, वीक फील्ड, ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको पहचान रखनी है। ठीक है, अब कैसे कहते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, आप NH3 को ध्यान में रखिए, इससे नीचे वाले सारे वीक फील्ड हैं, इससे नीचे वाले जो इसके लेफ्ट साइड में है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और जो इसके राइट साइड में है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आपने याद रखना है NH3, EN, NO2, CN, CO अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में लगा है तो वो कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब ये लो स्पिन हाई स्पिन क्या होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अगर देखिए वीक फील्ड लिगेंड लगा होता है, वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखें। ठीक है, सीरीज के अंदर जो जो लिगेंड आए हैं, जैसे आई बी आर, सी एन, एस सी एन, सी एल, एफ एफ, ऑक्सलेट, वाटर, अगर ये लगा हुआ है तो समझो वीक फील्ड है,
वीक फील्ड लिगेंड है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये जनरली क्या होते हैं, जिनका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा जो ये हम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने पढ़ा है कि एक मेटल होता है और लिगेंड उसको अप्रोच करता है। ठीक है, अगर देखिए लिगेंड बहुत स्ट्रोंगली अप्रोच कर रहा है, अगर लिगेंड बहुत स्ट्रोंगली मेटल को अप्रोच कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर वो वीकली अप्रोच कर रहा है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखिए। ठीक है, जो ये होते हैं ये मेटल को अच्छे से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बहुत क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं, या बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स पढ़ा। ठीक है, लो स्पिन कौन से होते हैं, हाई स्पिन कौन से होते हैं। इसके बाद देखिए, एक तो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल दिया जाएगा, एग्जाम्पल को देख के हमने उसका सीएफएससी वैल्यू निकालना पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो आप उसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर गौर करनी है। अब देखिए, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेल नोट है उसकी वैल्यू वीक फील्ड है, तो इसकी वैल्यू डेल नोट की वैल्यू कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, और यहां पर जो डेल नोट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, यहां पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और यहां पर डेल नोट की वैल्यू क्या है कम है। डेल नोट क्या होता है, स्प्लिटिंग का जो गैप है। ठीक है, अब देखिए वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड वो हैं जिनके अंदर पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इनका जो स्प्लिटिंग गैप है वो क्या है कम है। ठीक है, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जैसे इसकी डेफिनेशन है कि वीक फील्ड लिगेंड वो है द लिगेंड विच कोज स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वीक फील्ड कौन से होते हैं, स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी जिनके अंदर जो स्प्लिटिंग गैप है। हमने देखा है ना अभी कि ये ऐसे T2g ऑर्बिटल होता है और एक क्या होता है EG ऑर्बिटल होता है। अगर जो गैप है इनके बीच का, जिसको हम डेल नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो क्या है कम है, यदि स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है जो स्प्लिट हुए हैं डी ऑर्बिटल, अगर वो गैप कम है तो कौन से होंगे वीक फील्ड लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो बीच का जो स्प्लिटिंग का गैप होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा, हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हाई या फिर इसको लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी हम बोल लेंगे, हाई की बजाय हम लार्ज वर्ड लिखेंगे, लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, यानी डेल नोट की वैल्यू क्या होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग होना बेहतर रहेगा, यहां पर पेयरिंग होगी यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होता है इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इनका नाम क्या है, ये क्या होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन, और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो कैसे होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस चीज का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि पेयरिंग कहां पर होगी कहां पर नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन,
इनकी जो वैल्यू है कि डेलनोट की वैल्यू कम होगी, पेयरिंग की ज्यादा होगी, पेयरिंग कम होगी और डेलनोट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ये बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आता है डी फोर हम कर रहे थे, तो हमें डी फोर के केस में ये देखना होगा कि हमारे पास डी फोर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया गया है या डी फोर के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, या वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखिए डी थ्री तक तो सेम रहेगा, डी थ्री के तक तो क्या है, हमें तीन इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं और वो तीन के तीन हम टी टू जी ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं। लेकिन जैसे ही डी फोर का केस आता है तो हमारे पास दो चीजें निकल के सामने आती हैं कि हमारे पास जो लिगेंड है यदि वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वीक फील्ड, यदि वीक फील्ड के लिए बोलता है तो वीक फील्ड के लिए हमें डी फोर की सी एफ एस सी वैल्यू निकालनी है, यदि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए वीक फील्ड के अंदर तो क्या होगा, देखिए मैं सी एफ एस सी वैल्यू निकालता हूं, यहां पर हमारे पास टी टू जी ऑर्बिटल है, यहां पर हमारे पास ई जी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखिए टी टू जी ऑर्बिटल में पहले हम तीन इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं, अब जो वीक फील्ड होते हैं उनका जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ईजी ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन अगर डी फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड हमें दिया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा होगा या लो स्पिन लिखा होगा, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं और यहां पर हाई स्पिन आपको लिखा होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके केस में एनर्जी गैप ज्यादा होगा टी टू जी और ईजी के बीच में, तो पेयरिंग बेहतर रहेगी। तो देखिए वन टू थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे आएंगे, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, वापस टी टू जी में। अब देखिए इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पे में डिफरेंस आएगा, देखिए यहां पर अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी निकालता हूं तो देखिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टी टू जी में, थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई इसकी एनर्जी कितनी है, माइनस 0.4 है। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करता हूं तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, ईजी में, और इसकी एनर्जी कितनी है, प्लस 0.6 डेलनोट। ठीक है, ये प्लस 0.6 डेलनोट है और ये 0.4 डेलनोट है, तो वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए 4 3 12 माइनस 1/2 डेलनोट, प्लस 6 1 6 0.6 डेलनोट, तो वैल्यू कितनी आई है, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो माइनस 0.6 डेलनोट, क्योंकि माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है, तो माइनस 0.6 डेलनोट वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हम सी एफ एस सी कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर सी एफ एस सी इज इक्वल टू, हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार के चार इलेक्ट्रॉन किसमें है, ईजी ऑर्बिट में है, तो ईजी की जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस 0.4 डेलनोट है, प्लस इसमें पेयरिंग एनर्जी भी आएगी, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना था लेकिन ये पेयर हो गया है, तो हम इसके साथ में एक पेयरिंग एनर्जी भी लिखेंगे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अगर पेयरिंग हो रही है तो साथ में पेयरिंग एनर्जी भी लिखनी है। ठीक है, अब देखिए 4 4 16 तो माइनस 1.6 डेलनोट प्लस पी, ये हमारे पास सी एफ एस सी वैल्यू आई है, माइनस 1.6 डेलनोट या डी क्यू प्लस पी। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है, तो ये डी फोर का था। इसी प्रकार हम डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन का निकालते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमें डी फाइव दिया गया है, यदि डी फाइव वीक फील्ड है, वीक फील्ड
या हाई स्पिन, और दूसरा केस है यदि डे फाइव स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन, लो स्पिन, ठीक है, तब क्या होगा? देखिए, अब देखिए तीन ऑर्बिट हमारे पास टी2 जी के हैं और दो ऑर्बिटल हमारे पास ईजी के हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विलक करना हम स्टार्ट करते हैं। पहले तीन इलेक्ट्रॉन तो सेम टी2 जी में आएंगे। इसके बाद अब वीक फील्ड है, यानी वीक फील्ड में एनर्जी गैप कम होता है, तो एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो जो सीएफएससी एनर्जी आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे? तीन इलेक्ट्रॉन टी2 जी में है तो 3 मल्टीप्लाई टी2 जी की एनर्जी कितनी है? -0.4 डेल्टा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ईजी में है जिसकी वैल्यू कितनी है, एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0.6 डेल्टा। तो देखिए दोनों को हम अगर ऐड कर दें, 4 3 12 -1.2 डेल्टा प्लस 6 2 12, तो ये प्लस का 2 1.2 डेल्टा। तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू कितनी आई है? 0। तो वैल्यू कितनी आ गई है? 0। इसी प्रकार यदि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर देखिए क्या होगा। अब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में, टी2 जी और ईजी के बीच में, तो हमारे पास यहां पर क्या होगी? पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए सीएफएससी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इज इक्वल टू 5 के 5 इलेक्ट्रॉन टी2 जी में है तो 5 मल्टीप्लाई -0.4 डेल्टा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है? जो कि 20, तो -2.0 डेल्टा प्लस। अब देखिए पेयरिंग जरूर देखना है कि पेयरिंग हुई है नहीं, पेयरिंग हुई है ना, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2p, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं तो 2p लिखेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास D5 का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार आपने निकालना सीखना है। अब आता है D6। अब देखिए D6 के अंदर क्या होगा? अब D6 के अंदर भी हमारे पास दो केस बनने वाले हैं, एक तो है हाई स्पिन, ठीक है, एक क्या है? लो स्पिन। अब देखिए ये वही T2g ऑर्बिटल है और ये क्या है? EG ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है। अब देखिए हम CFSC वैल्यू निकालते हैं इसका। अब कितने इलेक्ट्रॉन है T2g में? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी कितनी है? 0.4 डेल्टा। प्लस ईजी में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी कितनी है? +0.6 डेल्टा। तो देखिए 4 4 जा 16, तो -1.6 डेल्टा, प्लस 6 2 जा 12, तो 1.2 डेल्टा, ठीक है। तो जब हम इसको प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा? -0.4 डेल्टा, ठीक है, -0.4 डेल्टा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए क्या होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, ये ईजी ऑर्बिटल है और ये क्या है? T2g ऑर्बिटल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, देखिए यहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखिए, आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी पूछ सकता है। ये चीज तो आप कभी से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। यदि हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यदि पेयरिंग हमारे पास यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है। तो देखिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा है? डायमैग्नेटिक, यानी D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन अगर एनर्जी हम निकालते हैं तो वो कितनी आएगी? देखिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है? T2g में, और T2g की एनर्जी कितनी है? -0.4 डेल्टा। तो देखिए 6, तो ये कितना आ गया है? -2.4 डेल्टा प्लस। अब पेयरिंग एनर्जी भी हमें लिखनी है, पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी?
देखिए पेयरिंग एनर्जी आएगी 2p। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर पेयरिंग तो तीन बार हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो 3p आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर किया था तो 1p लिखा था, 2 किया था तो 2 लिखा था, अब 3 किया है फिर भी 2 लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए यहां पर इस चीज को समझिए कि यदि पेयरिंग नहीं होती तो क्या होता, 1, 2, 3 तो ये होता देखो, ठीक है, और जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो वापिस यहाँ के पेयर होगा, यानी एक तो इसमें पेयर होना ही था, ठीक है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आता ही यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं जिनको ऊपर जाना था लेकिन वो नीचे पेयर हो गए हैं, थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आना ही नीचे था, ठीक है, क्योंकि इसको फिलअप करने के बाद वो नेक्स्ट में यहीं पे आता है, देखिए नीचे T2g ऑर्बिटल में फिलअप होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी हमने क्या लिखी है, 2p, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं जिनको ऊपर eg ऑर्बिट में जाना था लेकिन वो यहाँ पे पेयर हो गए हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन तो जो है वो वापस इसी में आता है T2g में, इस वजह से हम इसको 3p ना लिखने के बजाय 2p लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखिए इस चीज को बहुत गौर से करना है और ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि गलती यहीं पे करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, यही गलती करते हैं, या तो यहाँ 3p लिख के आएंगे या कुछ नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि वो भूल जाएंगे कि पेयरिंग भी हमने की है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा इसके बाद आता है D6, हमने कर लिया है, अब आता है D7। देखिए D7, अब देखिए D7 या तो लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा, तो देखिए वीक फील्ड है, हाई स्पिन D7 की बात करेंगे और यहां पर D7 की। अब देखिए यहां पर तो देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जो सेवंथ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, पहले पेयरिंग हो गया, अब सातवें इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं CFSC, तो कितनी आती है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 मल्टीप्लाई में आएगा -0.4 डेल नोट, प्लस 2 मल्टीप्लाई में आएगा +0.6 डेल नोट, ठीक है 0.6 है। देखिए यहां पर आ गया है -2.0 डेल नोट और प्लस में 6 × 2 = 12, तो 1.2 डेल नोट, तो हमारे पास कितना आ गया, -0.8 डेल नोट, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर हमारे पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसमें है CFSC, जो वैल्यू होगी इसकी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -0.4 डेल नोट, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.6 डेल नोट, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 2.4 डेल नोट तो ये आ गया है और प्लस 0.6 डेल नोट ये आ गया है और प्लस पेयरिंग एनर्जी भी आएगी। कोई बताएगा पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी? देखिए पेयरिंग एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, देखिए यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जो है वो नीचे आके फिल हुआ है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो पेयरिंग में आया है, तो यहां पर 1p होगा, ठीक है। लास्ट टाइम जैसा हमने कंसेप्ट लास्ट D6 में लगाया है वैसा ही है, क्योंकि दो तो इलेक्ट्रॉन फिलअप होने ही है, दो इलेक्ट्रॉन है जो नीचे आएंगे, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी पेयरिंग नीचे आके हुई है, तो यहां पर इसलिए हम 1p लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस का 0.6 है, माइनस का 0.4 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 1.8 डेल नोट प्लस पी, माइनस 1.8 डेल नोट प्लस पी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है। ये हमारे पास D7 वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके बाद D8 का केस और कर लेते हैं हम लोग। देखिए D8 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे फिलअप हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो CFSC वैल्यू जब हम निकालेंगे, अब मैं इसको डायरेक्ट निकाल के आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। इसको हम देखें 6 है तो -2.4 डेल नोट आ गई है, ठीक है, और ये 2 है तो ये प्लस का 1.2 डेल नोट आ गई है, तो हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 1.2 डेल नोट आ गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास देखिए अब 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, सॉरी D8 है, यहाँ पर D8 की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, D8 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए D8 है तो CFSC वैल्यू कितनी आएगी,
इसकी देखिए माइनस जीरो 2.4 आ गई है, ठीक है। और इसके केस में कितनी आएगी, 6 × 2 = 12, तो ये आ गई है, ठीक है। ये डेल नोट है और ये भी क्या है, डेल नोट। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, -1.2 डेल नोट। और पेयरिंग नहीं है इसमें, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेम आई है, देखिए आप चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से, दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो हमारे पास सीएफएससी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। ऐसा ही D9 में होगा, D9 में भी एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ठीक है। D9 का अगर हम केस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी कहां चला जाएगा, ऊपर फिलअप होगा, ठीक है। तो यानी दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो किसी एक की एनर्जी में निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 0.4 एनर्जी है, तो 2.4 डेल नोट आ जाएगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 0.6 एनर्जी है, तो 1.8 आ जाएगी, ठीक है। जब इसमें से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, -0.6 डेल नोट आ जाएगा, -0.6 डेल नोट आ जाएगा। ऐसा ही यहां पर होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.6 डेल नोट। पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही D10 के केस में होगा, D10 के केस में देखिए यहाँ पे -2.4 आएगी एनर्जी, यहाँ भी 2.4 आ जाएगी, तो टोटल कितना आएगा। देखिए मैं D10 का केस और लास्ट आपको करवा देता हूँ। D10 के केस में क्या होगा, अब देखिए D10 हम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो देखिए दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो एनर्जी भी क्या आएगी, सीएफएससी एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। तो देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई में -0.4 एनर्जी है, प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और मल्टीप्लाई में 0.6 डेल नोट है। तो देखिए ये कितना आया है, -2.4, और ये कितना आया है, प्लस का 2.4 डेल नोट, ये भी डेल नोट है। तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमारे पास जो सीएफएससी एनर्जी है, D0 के केस में 0 आई थी, D5 हाई स्पिन के केस में 0 आती है, और D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों के केस में कैसी आती है, 0, ठीक है। सिर्फ हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है वो 4 केसेस सिर्फ ऐसे आते हैं जिसके अंदर लो स्पिन और हाई स्पिन में डिफरेंस आता है, तो वो 4 केस आपने ध्यान रखने हैं। देखिए 4 केस कौन कौन से हैं, 4 ही केस ऐसे बने हैं जिनमें लो स्पिन और हाई स्पिन में डिफरेंस आता है। देखिए एक तो आता है D4, ठीक है, उसके अंदर सीएफएससी लो स्पिन और हाई स्पिन में अलग अलग शो होगी, ऐसे ही D5 में आता है, ऐसा ही D6 में होगा, और ऐसा ही किस में होगा, D7 में। बाकी जो ऑर्बिट है या बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके अंदर लो स्पिन और हाई स्पिन में सेम वैल्यू आती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। बस ये हमारा आज का कंसेप्ट था जिसमें हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालना सीखा है, ठीक है जी। इसके बाद जो है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज तक हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्प्लिटिंग गैप लो स्पिन हाई स्पिन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, जहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा है, ठीक है, वहां पर पेयरिंग होगी, जहां पर स्प्लिटिंग कम है वहां पर पेयरिंग नहीं होगी। ये चीज हमने आज डिस्कस किया है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालना सीखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी ईमेल आईडी लिख के भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका जवाब आपके पास भेज सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।